हाय नमस्कार दोस्तों, विवेक ट्रैवल टेल्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज स्कॉर्पियो एन की पहली लॉन्ग ड्राइव है और आज ही ये पूरे 1000 किलोमीटर कंप्लीट कर लेगी। अभी करेंटली 894 किलोमीटर ये गाड़ी चल चुकी है और सहारनपुर 200 प्लस किलोमीटर है और यहाँ से आज हम जो ड्राइव करेंगे उसके जो पूरे किलोमीटर 1000 कंप्लीट हो जाएंगे। दैट्स अ माइलस्टोन, क्योंकि 1000 किलोमीटर के बाद पहली सर्विस होगी और पहली सर्विस के बाद पूरी उम्मीद है कि इसकी एवरेज है वो और बेटर हो जाएगी। आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड बिकॉज इट्स सच बिग व्हीकल और अभी जो करंट एवरेज दे रही है वो है 7.4, विच इज़ क्वाइट गुड एनफ, क्योंकि जो कुछ पता लगा है कि MG Hector वगैरह जो गाड़ियां हैं वो दो तीन सर्विस के बाद भी 5 तक की ही एवरेज देती हैं। तो इस तरह के व्हीकल की अगर 7.4 विदाउट एनी सर्विस एवरेज आ रही है तो दो तीन सर्विसेज के बाद तो काफ़ी बेटर हो जाएगी होपफुली। तो चलिए सहारनपुर के सफ़र पर चलते हैं। ये पहली लॉन्ग ड्राइव है। आई विल बी शेयरिंग माई एक्सपीरियंस टू यू, हाउ वॉज द ट्रैवल विद स्कॉर्पियो एन टू सहारनपुर ऑन अ लॉन्ग ड्राइव। हाय फ्रेंड्स, सो हम लोग मेरठ के करीब पहुंच गए हैं और 1000 किलोमीटर स्कॉर्पियो एन ने अपनी कंप्लीट कर ली है। टोटल जो किलोमीटर हो गए हैं वो है 1006 और सबसे जो प्लेजेंट एक्सपीरियंस रहा वो ये था कि हमने जब शुरुआत करी थी आज सुबह की तो एवरेज थी 7.2 और अभी 8.5 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज स्कॉर्पियो एन दे रही है। इफ़ यू रिमेंबर, मैंने आपको पहले भी शेयर किया था, जब हमने ये गाड़ी ली थी तब इसकी एवरेज आ रही थी 5.4 और 5.4 से बढ़ते बढ़ते 6.2, 6.5, 6.9, 7.2 और अभी 8.5 की एवरेज माइलेज ये दे रही है और अभी तक इसकी कोई सर्विस नहीं हुई है। मतलब अभी इसमें नोटिफिकेशन भी आना शुरू हो गया है कि आपके 1000 किलोमीटर कंप्लीट हो गए हैं तो यू शुड गो फॉर द फर्स्ट सर्विस। तो पूरी उम्मीद है कि एक दो सर्विस के बाद ये एवरेज और बेटर हो जाएगी। तो जैसे मैंने पहले भी रिट्रीट किया कि इस साइज़ की गाड़ी में जो एक 7 सीटर एक बिग व्हीकल लाइक स्कॉर्पियो एन अगर 8.5 की एवरेज बिफोर एनी सर्विस अगर मिल रही है तो दैट्स रियली वेरी फैंटास्टिक एक्सपीरियंस, बहुत ही बढ़िया है। सहारनपुर का जो सफ़र था वो ऑलमोस्ट अब ख़त्म होने वाला है क्योंकि मैं दिल्ली में एंटर कर रहा हूँ। काफ़ी लेट हो गया आज सहारनपुर में और अभी देखिए जो मौसम है वो करवट लेता हुआ कि आज पूरे दिन में बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी और अब कुछ आंधी जैसा लग रहा है, हवा बहुत तेज चल रही है और सफ़र बहुत ही प्लेजेंट रहा। सबसे अच्छी बात तो थी इस गाड़ी की माइलेज, कंफर्टेबल तो ये है ही, चलाने में तो इतना मज़ा आता है और ऑटोमेटिक गाड़ी में तो रियली में बहुत 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 आराम है। सो मुझे पूरी ड्राइव का बहुत मज़ा आया। तो जब हमने आज सुबह की जर्नी स्टार्ट की थी तो इसकी जो माइलेज इसके अंदर डिस्प्ले में शो हो रही थी वो थी 7.2 और आज ही इसके 1000 किलोमीटर कंप्लीट हुए हैं। सो आज देखिए 1310, सो 1310 किलोमीटर का सफ़र हो चुका है। जब हमने स्टार्ट किया था तो 980 था समथिंग, सो इस 980 से 1350
सो इस 980 से 1310 किलोमीटर के बीच में जो सबसे अच्छी चीज़ रही थी वो इसकी माइलेज। सो बहुत ही अच्छी माइलेज निकाल रही है गाड़ी। तो जो भी गाड़ी मैं यूज़ कर रहा हूँ वो Z8 मॉडल है स्कॉर्पियो N का। ये पेट्रोल वर्जन है, फुल्ली ऑटोमेटिक 7 सीटर गाड़ी, एक काफ़ी बड़ी गाड़ी है। और इस बड़ी गाड़ी में जो पेट्रोल वर्जन है उसमें अगर 10.5 की एवरेज निकल रही है तो बहुत ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मैं जानता हूँ बहुत सारी इस साइज़ की जो गाड़ियाँ हैं वो 5-6 की एवरेज देती हैं, हार्डली कोई 7-8 की एवरेज देता है, लेकिन इट इज़ लाइक स्कॉर्पियो एंड विद एसी। अभी देखिए एसी चल रहा है मेरी गाड़ी का, सो एसी में अभी ये 10.5 की एवरेज दे रही है, विच इज़ रियली वेरी वेरी गुड। सो फ्रेंड्स, आज का व्लॉग यहीं तक का था, आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू सो मच।